छोड़ दिया। अल्लाह का रहमत बहुत वसी है, लेकिन जो बंदों का मामला बंदों के साथ है, अल्लाह ने भी फरमा दिया मैंने माफ नहीं करना। अल्लाह ने भी पाबंदी लगा दिया, अकीदा साफ सुथरा रखे, शिरक ना आने दे अपने अकीदे के। तो अल्लाह ने फरमाया शिरक आएगा मैं अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करूंगा। बंदों का मामला बंदों के साथ अगर हो गया तो फरमाया बंदों से माफी मांगोगे तो मैं माफ करूंगा। तो आखिरी एक बात मैं अर्ज करता हूँ, एक इंतहाई बड़ा जुर्म है कि कर्ज किसी का देना है, दे देंगे जान छूट जाएगी, वरसा देंगे जान छूट जाएगी, गाली निकाली है माफी मांग लेंगे तो वरसा माफी मांग लेंगे जान छूट जाएगी, किसी की जमीन पे कब्जा है माफी मांग लेंगे जान छूट जाएगी। लेकिन एक खतरनाक बात है, नौजवानों से अर्ज करता हूँ बड़ों से माजरत के साथ, किसी औरत के ऊपर अगर तोहमत लगाई है, किसी के और किसी की गिबत की है, जब तक उससे माफी ना मांग ले तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। आजकल सियासी तौर पे हम एक दूसरे को इल्जाम देते हैं फलां गंदा फलां गंदा, ठीक है सोशल मीडिया पे आ रहा है जहां भी आ रहा है, मैं किसी पार्टी का नहीं लेकिन एक शरीयत की बात बता रहा हूँ, खामखा किसी के लिए कोई तोहमत न लगा, वरना इससे उससे माफी मांगेंगे तो अल्लाह माफ करेंगे, वरना आखिरत में जाके इसका बड़ा सख्त जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला मुझे सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह।